नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की स्टूडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे क्वार्टर वन का रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा है वो तो हम बात करेंगे दोस्तों, बट ये वीडियो में दोस्तों शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म व्यू भी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। काफी लोग बोल रहे थे कि दोस्तों कि आईटीसी जैसा ये परफॉर्म करेगा कि नहीं। दोस्तों आप सबको पता है, जब आईटीसी नहीं चल रहा था और 200 का लेवल था, तब मैंने बहुत बार रेकमेंड किया था आपके सब सबके सामने, और दोस्तों 300 पे प्रॉफिट भी बुक करवाया। बट काफी लोगों की क्वेरी है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आईटीसी में आगे करना क्या है, क्योंकि क्वार्टर वन रिजल्ट भी कल है दोस्तों। बट अब बात करते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि दोस्तों आपको हमेशा दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। उसके पीछे के रीजन भी है दोस्तों, पहले थोड़ा फंडामेंटल देखे, उससे पहले दोस्तों थोड़ा टेक्निकल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कल हमने डिस्कस किया था शुगर सेक्टर का पेनी शेयर दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा दोस्तों ब्रेकआउट आया है, तो वो जहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना कि आगे क्या रणनीति बननी चाहिए उस स्टॉक के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ऊपर दोस्तों। लॉन्ग टर्म में मैं इसको बाय बोलता हूं। आपको हर बार बोला है कि दोस्तों बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है। रीजन क्या था? क्योंकि दोस्तों रीजन ये था कि ये स्टॉक जो है, इसमें इस कंपनी जो बैंक है दोस्तों, जो बहुत ही बढ़िया दोस्तों मैनेजमेंट है, पहला तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से, और दूसरी बड़ी चीज दोस्तों की वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है जब आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिवर्स मर्जर होगा, तो वो एक अच्छा पॉइंट बन सकता है हमारे लिए और अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तीसरा बड़ा रीजन है कि दोस्तों जो ये एक्सपांशन कर रहे हैं और अपने एनपीए को कंट्रोल कर रहे हैं साथ साथ, तो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अब प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक में आप सब जानते हैं कि दोस्तों एचडीएफसी बैंक को दिग्गज माना जाता है दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी वही बिजनेस मॉडल को दोस्तों फोकस कर रही है, वो रिटेल क्लाइंट को ज्यादा फोकस कर रही है, उसकी वजह से ये चार बड़े रीजन से लॉन्ग टर्म में है। बट शॉर्ट टर्म में क्या करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने स्विंग लो जो है, जो हमारा बना था मार्च 2020 में तब का, और स्विंग हाई जो हमारा है 69 को बना था दोस्तों। ये पूरी जर्नी हमने बहुत बार इस वीडियो इस चैनल के ऊपर मैंने आपको बताई है। बट जब इस लेवल को 61.8% के रिट्रेसमेंट को टच किया पहली बार, वहां से बाउंस बैक भी अच्छा मिला था हमें, फिर दोबारा टच करने के लिए वहां से भी अच्छे टारगेट मिले दोस्तों हमें, बट एक बार टूट गया दोस्तों। तो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बोला था कि अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है 37.38 का दोस्तों, और जैसे ही इसको तोड़ा था मैंने बोला था कि वहां से निकल जाओ, फिर आपको नीचे मौका मिला दोस्तों, अच्छा बाइंग लेवल मिला आपको, बहुत ही ज्यादा नीचे मिला 37 का, 29-30 के आसपास मिला, बड़ा कैंडल हमें मिला, और वहां से हमें पता चला कि यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग हुई दोबारा, और फिर हम दोबारा आ चुके हैं अब वैसे लेवल के ऊपर जहाँ पे दोबारा हम बाई कर सकते हैं दोस्तों। इन बिटवीन दोस्तों आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता, बट अब यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। क्या है वो? तो एक तो दोस्तों 37.38 का अभी का प्राइस है, 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है 37.40 है, आज का क्लोज देखिए दोस्तों तो 37.55 का है दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिया है स्टॉक ने, बट यहाँ पे आप देखिए आरएसआई जो है वो 69 का आरएसआई है दोस्तों। अब आरएसआई 69 का है तो क्या डरना चाहिए हमें? तो उसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में भी चले जाते हैं ना दोस्तों। तो आरएसआई जब 60-70 से अप था दोस्तों, तो स्टॉक देखिए दोस्तों ये जो कैंडल है वहां पे 70 से अप था, तो उसके बाद दोस्तों एक कंसोलिडेशन जोन में गया, फिर ऊपर गया दोस्तों। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जब आरएसआई ऊपर गया था, थोड़ा सा दोस्तों एक रुकने की कोशिश की थी और वापस भी उसी लेवल को आया था, उसके बाद उसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की। बट दोस्तों इस बार अलग सी बात है दोस्तों, हमारे पास क्वार्टर पर रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट कैसा है अब फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं, और उसके बाद शॉर्ट टर्म में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का दोस्तों अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 23,353 करोड़ का है, और स्टॉक का पी 18.9 है। जब आरओसी आप देखोगे तो बहुत ही सस्ता दोस्तों है, 4.61 है, आरओई 0.70 और फेस वैल्यू 10 का है, और बुक वैल्यू 33.9 का है, वहां से दोस्तों बिल्कुल नजदीक में मिल रहा है। बट एक चीज आप ध्यान रखिए दोस्तों, डेप्ट टू इक्विटी जो है वो हेड के 7.552% जो ज्यादा है दोस्तों, और डेप्ट है 1,58 करोड़ का, और यही पैनिक है दोस्तों इस कंपनी के लिए दोस्तों। बहुत ही सारी नेगेटिव बात है दोस्तों, रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है कंपनी बट डिविडेंड नहीं दे रही है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों, लाइबिलिटी बहुत ही ज्यादा है दोस्तों,
215,000 करोड़ की लाइबिलिटी बढ़ी है। बहुत ही ज्यादा दोस्तों कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, और कंपनी का जो इंक्लूड है अदर इनकम वो 3,185 करोड़ का है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 3 साल में कम हुई है, तो बहुत सारा नेगेटिव फैक्टर भी है। पीए कंपैरिजन की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 18.86 का है पी, तो वो दोस्तों प्राइवेट बैंक में अगर देखेंगे तो दोस्तों बंधन बैंक बहुत ही महंगा है, इंडसइंड बैंक थोड़ा सा सस्ता है, एक्सिस बैंक 13 का है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक और बाकी सब बैंक के आसपास एवरेज है, बट दोस्तों इनका एक्सपांशन प्लान है वो बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों कल क्या होगा दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि दोस्तों धमाका होगा, क्योंकि 4554 का दोस्तों जो रेवेन्यू था वो हो गया है 4922, काफी बड़ा जंप है दोस्तों। ये आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर में, हमें सितंबर 2021 में मिला था और दिसंबर 2021 के बीच में मिला था दोस्तों, बट मार्च से जून में दोस्तों लास्ट टाइम हमें इतना बड़ा धमाका नहीं दिखा था, जो यहाँ पे बड़ा गैप दिख रहा है। तो एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है क्वार्टर टू क्वार्टर में, अगर ईयर टू ईयर में देखा जाए तो दोस्तों जबरदस्त बूम है दोस्तों, यहाँ पे जबरदस्त बूम है, और फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट रेवेन्यू में भी दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, इंटरेस्ट में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, और एक्सपेंस कंट्रोलेबल है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट काफी सुधारे के ऊपर है, और दोस्तों प्रॉफिट जो है वो काफी बढ़िया हो चुका है, 485 का हो चुका है, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट माना जाएगा और काफी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर भी आप देखोगे तो दोस्तों 2021 के बाद 2022 में भी अच्छी तेजी बनी और 2023 में भी दोस्तों तेजी बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ईपीएस देखोगे तो ये सुधर के 2 का आएगा, तो दोस्तों पीई वैल्यूएशन काफी हमें सस्ता दिख जाएगा दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाल देते हैं तो 36.48 का होल्डिंग है, एफआईआई काफी टाइम से दोस्तों कंटिन्यूस बेच रहा है, 10.99% का होल्डिंग है, डीआईए ने अपना होल्डिंग लास्ट टाइम थोड़ा सा बढ़ाया दोस्तों, एक एफआईआई और डीआईए का नेगेटिव जो मोड है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट के पास 4.20% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 38.14% का होल्डिंग है। बात करते हैं टारगेट की दोस्तों, तो एक्यूमुलेट करने को बोला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और टारगेट दिया है 59 दोस्तों, अरिहंत कैपिटल ने जबरदस्त और बेखौफ टारगेट दिया हुआ है दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 29 जुलाई जो है वहां पे 33.5% का डिलीवरी परसेंटेज था, 28 जुलाई को दोस्तों 29.6% था, तो यानी कि 30% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज हमें दिख रहा है, पर दोस्तों आगे देखिए तो इतना ज्यादा दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज जब हुआ था दोस्तों तब दोस्तों स्टॉक में थोड़ी सी गति बनी थी। बट अब चलते हैं दोस्तों दोबारा हम आ चलते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों, क्योंकि चार्ट के ऊपर दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे कोई बाई करने की सलाह नहीं रहेगी दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे दोस्तों 200 डे का मूविंग एवरेज जो है वो भी दोस्तों आ चुका है 40 के आसपास के लेवल के आसपास, क्योंकि दोस्तों ये लेवल है 200 डे का मूविंग एवरेज, उसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो 200 डे का मूविंग एवरेज को दोस्तों कितनी बार दोस्तों सितंबर 2000 एक बार दोस्तों वो नीचे चला गया दोस्तों, अगस्त 2021 में फिर उसको टच करने की कोशिश की थी 16 सितंबर 2021 को, और दोबारा दोस्तों 26 अक्टूबर 2021 को भी टच करके वापस आया था, और दोबारा दोस्तों 9 दिसंबर को भी वही हालत हुआ था, यानी कि दोस्तों ये बहुत बार ये हेडेक बन चुका है 200 डेज मूविंग एवरेज को, यानी कि जब तक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर नहीं आता है तब तक दोस्तों बड़ी तेजी संभव नहीं है, और वहां पे हमें वॉल्यूम भी जबरदस्त चाहिए दोस्तों। क्या कल तोड़ के देगा कि नहीं वो कहना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों इस टाइम के ऊपर, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बाय है, शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों संभाल के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 37.40 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख दीजिए दोस्तों, और ये वीडियो दोस्तों ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।